इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं था, ये काफी ज्यादा खतरनाक और जोरदार एक धुआंधार मुकाबला था। 5 अक्टूबर 2023 रविवार को यानी कि ये कल मुकाबला खेला गया। जी मैं आपको बता दूं, इंडियन गार्डन में मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और बेहद ज्यादा जबरदस्त मुकाबला हुआ। इंडिया टीम में जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली काफी ज्यादा खुश भी हुए, लेकिन विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने इंडिया टीम के जो है दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली यानी कि अपने पति का पैर छू करके जी हां बहुत ही बड़ी बात कही, जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार दिल से उन्हें सलाम करोगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, क्रिकेट से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हां, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा की जी हां धुआंधार बॉलिंग से जीता इंडिया साउथ अफ्रीका से मैच। जी हां, मैं आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा की इतनी खतरनाक बॉलिंग की 5 विकेट लिए और लगभग 1 से लेकर 20 तक रन दिए। जी हां, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका और इंडिया वर्सेस का यह मुकाबला काफी बेहद ही खतरनाक मुकाबला था। जी हाँ, एक तरफ देखा जाए साउथ अफ्रीका की काफी ज्यादा दिग्गज धुआंधार टीम बताई जा रही थी, लेकिन 83 रन पर ही ऑल आउट हो गई और सारी की सारी टीम है वो सिमट गई। जी हाँ, आपको बता दूं कि पहले इंडिया टीम के रोहित शर्मा कप्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का जो है बैटिंग करने की सोची, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैटिंग शुरुआत में काफी ज्यादा खराब इंडिया टीम की हुई पारी। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो है रोहित शर्मा 40 ही रन बना पाए और शुभम गिल उनके साथ पारी में थे। शुभम गिल और रोहित शर्मा दोनों ही दिग्गज महान बल्लेबाज हैं जो काफी कोई खास प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा पाए और आउट हो गए। उसके बाद जो है विराट कोहली के कंधों पर सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई। जी हां, मैं आपको बता दूं वही विराट कोहली जो इंडिया टीम की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, विराट कोहली किंग कोहली ऐसे ही उनका नाम नहीं पड़ा है। विराट कोहली एक दिग्गज महान, एक वरिष्ठ, एक जो है खतरनाक बल्लेबाज हैं जो एक बार अगर चल जाएं तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देते हैं। विराट कोहली पिछले मैचों में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए हैं और इस मैच में भी उन्होंने कमाल कर दिया। विराट कोहली रविंद्र जडेजा की दम पर ये भारतीय टीम मैच जीती है। जी आपको बता दूं कि विराट कोहली ने अपने जन्मदिन के मौके पर 101 रन ठोक दिया। जी हां, 101 रन विराट कोहली ने ठोक कर इतिहास रच दिया, 49वां शतक पूरा कर दिया, सचिन की टक्कर सचिन की बराबरी कर ली। जी हां, मैं आपको बता दूं कि सचिन की बराबरी करने वाले विराट कोहली ने 49वां शतक पूरा कर लिया अपने जन्मदिन के मौके पर 101 रन ठोक कर। अब यहां पर बारी आती है साउथ अफ्रीका की टीम की जो बल्लेबाजी करने उतरती है। जी हां, इंडिया टीम 326 तक स्कोर पहुंचाती है। अब साउथ अफ्रीका की टीम को 327 रन चाहिए जीत के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका की टीम शुरुआत में तो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाती है, लेकिन हमारे भारतीय टीम के बॉलिंग करने वाले रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, सिराज इतनी खतरनाक खूंखार बॉलर हैं जिनकी गेंद के सामने साउथ अफ्रीका की टीम है वो 83 रन पर सिमट गई और बिखर गई। जय हिंद, वंदे मातरम।